हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आप विंडोज 11 कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आपको बोल दिया था कि आप विंडोज 11 का ऑफिशियल आईएसओ फाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। तो आज इस वीडियो को आप देखते रहिए, मैं एक्टिवेशन के बारे में बात करने वाला हूँ विंडोज 11 का। तो मैं दो तरीके बताने वाला हूँ अभी। तो पहला जो तरीका है वो है CMD या बैट कमांड, और दूसरा है KMS ऑटो की हेल्प से हम लोग एक्टिवेट करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रोसेस बता दूंगा वो जो आपको सेम टू सेम फॉलो करना है, क्योंकि अभी मैं विंडोज 11 इंस्टॉल नहीं किया हूँ। बाद में जब मैं इंस्टॉल करूँगा फिर मैं एक सेपरेट वीडियो में दिखा दूंगा फिर से करके। तो आप प्लीज ए टू जेड मैं जैसे करता हूँ वैसा ही फॉलो कीजिए, तब आप विंडोज 11 को इजीली विद इन सेकेंड्स एक्टिवेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट मेथड है, उसके लिए आप एड्रेस बार में टाइप कीजिए। मैं ये सब सब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, bit.ly/windows.txt। फिर आप एंटर कीजिए। थोड़ा सा रुकिए, मेरा नेट कनेक्टेड डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें आप एंटर दबाइए, तो कुछ इस तरह से आएगा, कुछ मतलब स्क्रिप्ट आएगा। इसको आप जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको ऑल सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल सी दबाइए, फिर इसको मिनिमाइज कर दीजिए, या फिर आप ये क्रोम को बंद भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ में राइट क्लिक कीजिए, होम स्क्रीन में न्यू में आइए, फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक कीजिए, फिर इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को खोलिए, उसमें आप पेस्ट कर दीजिए जो आपने कॉपी किया था। यहाँ में आप देख सकते हैं कि विंडोज 7, 8, 8.1 और 10 है, लेकिन हम लोग इस मेथड से 11 को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि जो 10 का सीरियल की है उसे ही 11 एक्टिवेट हो जाता है। आप देख लीजिए पूरा टेक्निक। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फिर सेव में क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी सेव हो गया है ये। अभी इसको हम लोग राइट क्लिक करेंगे, फिर रीनेम में जाएंगे, फिर टाइप करेंगे विंडोज एक्टिवेटर, फिर .bat टाइप करेंगे, bat, फिर एंटर दबाएंगे। ठीक है, अभी देखिए ये मतलब नोटपैड में खुल रहा है, ये अभी बैट फाइल मतलब CMD फाइल में नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ में जाएंगे, यहाँ में सर्च करेंगे नोटपैड। ठीक है, नोटपैड खोल लिया। अभी जो मैं टेक्निक यूज कर रहा हूँ वो कीजिए, मतलब पहला वाला टेक्निक मत यूज कीजिए जो मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोल के किया था। आप डायरेक्ट नोट पे सर्च कीजिए, उसमें आप पेस्ट कर दीजिए ये जो कि भी आप क्रोम में जो आप कॉपी किए थे। फिर फाइल में जाएंगे, सेव एज में टाइप में सिलेक्ट करेंगे, फिर डेस्कटॉप सिलेक्ट कीजिए, फिर इसमें फाइल नेम में आप टाइप कीजिए विंडोज एक्टिवेटर .bat। ठीक है, फिर इसको ऑल फाइल्स कर देंगे, सेव एज टाइप ऑल फाइल्स, फिर सेव कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए ये यहाँ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए, इसको आप राइट क्लिक कीजिए, फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए, तो आपका विंडोज एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये और एक बात याद रखिए, आपका नेट कनेक्टेड रहना जरूरी है आपके लैपटॉप या पीसी में। तो अभी नेक्स्ट जो टेक्निक है उसके लिए आप क्रोम में जाइए और टाइप कीजिए KMS Pico। ठीक है, KMS Pico में क्लिक के मतलब सर्च कीजिए, फिर पहला लिंक खोल लीजिए, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
फिर आप केएमएस ऑटो में क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर नीचे आइए, ये देखिए आप विंडोज 10 एक्टिवेटर भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, केएमएस ऑटो को डाउनलोड में क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर देखिए फिर केएमएस ऑटो में डाउनलोड, केएमएस ऑटो में क्लिक करेंगे, थोड़ा सा रुकिए, एसएफ ऑल कुकीज में क्लिक कीजिए, फिर डाउनलोड में क्लिक कीजिए, ठीक है। ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जब डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको ओपन कर लीजिए, शो इन फोल्डर में क्लिक कीजिए। फिर इसको मैं पहले मैं डेस्कटॉप में लेके आता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप में लेके आया, फिर इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। राइट क्लिक किया, ओपन विथ विनरार, फिर एक्सट्रैक्ट टू में क्लिक कीजिए, फिर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में हमें एक्सट्रैक्ट करूँगा, ओके प्रेस कीजिए, ठीक है। फिर ये वाला फाइल आ गया, ठीक है। इसको ओपन कीजिए, इसमें पासवर्ड देख लीजिए, ये है पासवर्ड, इसको आपको याद रखना होगा। इस याद मतलब कॉपी कर लीजिए इसको। फिर कॉपी करने के बाद आप केएमएस ऑटो डॉट नेट इसको आप डबल क्लिक कीजिए, फिर यहाँ में आप पेस्ट कर दीजिए, फिर ओके दबाइए, तो आपका केएमएस ऑटो शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको आप कट कर दीजिए। देखिए अभी आप इससे आप विंडोज भी एक्टिवेट कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेन में आइए, एक्टिवेशन में क्लिक कीजिए, एक्टिवेट विंडोज में क्लिक कीजिए, तो आपका विंडोज एक्टिवेट हो जाएगा। मैं इस जो जो मैंने लिंक अभी दिखाया है आपको, सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इन फाइलों का भी मैं गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगा आपको। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो को कैसा लगा, और नीचे यह भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, थैंक यू।